फाइनली हम आग के पास पहुंच चुके हैं। ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से खतरनाक आग लगी हुई है। कंपार्टमेंट नंबर 11 फॉरेस्ट ब्लॉक इस काहिल में लगी धंधल सराज रेंज। नमस्कार, आप सबका स्वागत है। हम निकले हैं फॉरेस्ट एरिया में, आग लगी है वहाँ पे। हमारी वॉलंटियर टीम जाएगी और देखते हैं किस तरह से वहाँ फॉरेस्ट एरिया को जाया जाएगा। मेरे साथ फॉरेस्टी घर से निकल चुके हैं। टीम जा रही है, एनजीओ की टीम। वहाँ पे अधिकारी को किया जाएगा। 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पे अभी हमने जाना है। अभी हम सार्स वाले एरिया में पहुँचे हैं। गोधार से हमने उस तरफ करना जहाँ फॉरेस्ट एरिया में आग लगी हुई है। अभी हम सारस में पहुँचे हैं, देखते हैं कि रहती है, कारण क्या रहता है वहाँ पे आग लगने का। अब हम उस एरिए में आ चुके हैं, आप साफ तौर पर देख सकते हैं। हम जा रहे हैं उसी स्पॉट की तरफ जहां पर इस फॉरेस्ट एरिया में आग लगी हुई है। अब वहां पे ही जाके पता लगेगा कि क्या कारण रहा है आग लगने का और क्या कंडीशन है। हम उसी तरफ जा रहे हैं। फाइनली हम आग के पास पहुंच चुके हैं। ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से खतरनाक आग लगी हुई है। कंपार्टमेंट नंबर 11 फॉरेस्ट ब्लॉक धंधल सराज रेंज। हम यहां पे पहुंच चुके हैं और अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न करेंगे आग को बुझाने का। हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं, काफ़ी मशक्क़त के बाद यहाँ पे पहुँचे हम। यहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आ रहा, एम्प्लॉइज़ जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जानिब यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे। फाइनली कंपार्टमेंट नंबर 11 में लगी आग पर हमने कंट्रोल कर दिया है। फॉरेस्ट एम्प्लॉइज की जानिब, जो फॉरेस्ट एम्प्लॉइज थे, कोई भी फॉरेस्ट एम्प्लॉई यहां पर हमने नहीं देखा। गार्ड को जब गार्ड से जब हमने टेलीफोनिकली बातचीत करने की कोशिश की तो गार्ड साहब का ये कहना था कि जंगल में आग लगी ही नहीं है और न जाने कहां पर है वो। हमें इस चीज़ के बारे में कोई भी मालूम नहीं। हम वॉलेंट्री में हरदेव सिंह मन्हास और मेरे सहयोगी मिस्टर करतार सिंह जी, हमने जब धुआं देखा तो हम अपने घर से यहां पर 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर, यानी बाय रोड हम
30 से 35 किलोमीटर चले हैं और उसके बाद हम यहाँ पर कंपार्टमेंट नंबर 11 में पहुँचे और बड़ी मशक्क़त के साथ यहाँ पर आग पर काबू पा लिया गया है। कंपार्टमेंट नंबर 11 फॉरेस्ट ब्लॉक धंडल सराज रैंक फॉरेस्ट कंपार्टमेंट 11 में लगी आग इस तरह भयानक थी कि इस पर काबू पाना काफ़ी मुश्किल था। हर तरफ बड़ी बड़ी चट्टानें और पत्थर, बड़े बड़े पत्थर निकल रहे थे, बड़ी बड़ी चट्टानें निकल रही थी। बहुत ही मुश्किल होता है जब फॉरेस्ट एरिया में आग लगती है, चट्टानें निकलती हैं, जो दरख्त हैं वो गिरने शुरू हो जाते हैं। बहुत ही मुश्किल होता है फॉरेस्ट में जब इस तरह के हालात होते हैं। तो हमने बहुत बड़ी मुश्किल से अपनी जान को भी बचाया है और बड़ी बार हमारे इस साइड इस तरफ यानी बड़ी बार यानी पत्थर निकलते रहे।